नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार आज एमपी न्यूज़ के अपडेट सेगमेंट न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत करती हूं। न्यूज़ रूम में चल रही तमाम बड़ी अपडेट्स को लेकर हम दर्शकों तक पहुंचते हैं, तो आइए पकड़ते हैं अपनी अपडेट्स की रफ्तार को और बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की ओर, जहां पुष्पा मूवी के स्टाइल में गांजा की तस्करी का मामला सामने आया है। अब क्या कुछ बड़ी अपडेट है, आइए जानते हैं हमारे सहयोगी पायल जी से क्या कुछ बड़ी अपडेट है। पायल, हाल ही में मध्य प्रदेश के आगरमालवा से एक बड़ी खबर सामने आई है कि आगरमालवा पुलिस ने पुष्पा मूवी की तर्ज पर गांजा तस्करों का पर्दाफाश किया है। दरअसल आगरमालवा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलती है कि आंध्र प्रदेश से राजस्थान तक ट्रक में गांजे की एक खेप भरकर सप्लाई की जा रही है। तो क्या होता है कि पुलिस ने उस ट्रक की जांच पड़ताल की तो ट्रक पूरा खाली मिलता है, लेकिन मुखबिर दावा करता है कि उसमें गांजे की खेप भरी हुई है। तब सख्ती से जब पुलिस दोबारा जांच पड़ताल करती है ड्राइवर और उसके क्लीनर की, तो खुलासा ये हुआ कि उन ड्राइवर ने क्या था कि जो ट्रक है, ट्रक के नीचे एक हिडन कैबिन बना के रखा था, जिसमें तकरीबन 290 किलो है गांजा पकड़ाया गया, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए के करीब बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर जो आगरमालवा पुलिस ने है इतने शातिर गांजे तस्करों का पर्दाफाश कर ही दिया। यानी अब आगर मालवा में गांजा तस्करी का जो भी मामला था वो पुलिस कर्मचारियों ने पर्दाफाश कर दिया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली अपडेट की ओर, जहां सीएम मोहन यादव ने टीकमगढ़ में लाडली बहनाओं को नई सौगात दी है और क्या कुछ बड़ी अपडेट है इसको लेकर के, आइए जानते हैं हमारे सहयोगी शुभम जी से क्या अपडेट है। सर जी, देखिए, आज सीएम मोहन यादव टीकमगढ़ में थे, वहाँ पर उन्होंने लाडली बहनों को संबोधित किया एक कार्यक्रम में। कार्यक्रम के दौरान वहाँ पर उन्होंने सिंगल क्लिक से लाडली बहनों को जो 1250 रुपये से बढ़ा करके जो 250 रुपये अतिरिक्त दिए जाने थे उसको सिंगल क्लिक में उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया है। वही इसके साथ लाडली बहनों के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार है वो एक और योजना लाने जा रही है। लाडली बहनों को वो करीब 10 से 15 हज़ार रुपये महीना कमा करके अपने पैरों पर खड़े हो सके, आत्मनिर्भर बन सके, इसलिए मोहन सरकार उनके लिए रेडीमेड गारमेंट्स में के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने के लिए एक योजना लाने वाली है, और इसी के साथ वो उन्हें आत्मनिर्भर बना पाए, इसके साथ साथ वो अपना खुद का विकास कर पाएँ, अपने पैरों पर खड़े हो पाएँ, इसलिए ये एक सार्थक प्रयास सरकार द्वारा दिखाई दे रहा है। जी जी, मतलब सीएम मोहन सरकार अब लाडली बहनाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती है। इसी के साथ बढ़ते हम अपनी अगली अपडेट की ओर, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने उनके गढ़ में दिग्विजय सिंह ने क्या ऐसा बोल दिया जिसको लेकर के बीजेपी में खलबली मच चुकी है, आइए जानते हैं हमारे संवाददाता संदीप जी से क्या कुछ अपडेट है। सर जी, देखिए, मौका था नागपंचमी के दिन का, और भिंड में जो है कांग्रेस के आंदोलन के लिए दिग्विजय सिंह जा रहे थे, और ग्वालियर में जब वो रुकते हैं कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहते हैं कि आज जो त्यौहार है वो नागपंचमी का है, लेकिन अस्तिन के सांपों से बचकर रहिए, अस्तिन के नागों से बचकर रहिए, ये जो नाग है वो कब और कहाँ कैसे डस लेता है ये किसी को पता नहीं चलता। हालाँकि ये जो बयान था वो उन्होंने ग्वालियर में दिया, इसलिए इसके तमाम तरह के सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं, और इस तरीके से कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह का जो इशारा था वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और रामनिवास रावत के ऊपर था, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार जो है इस तरह के बयान जो देखने को मिलते हैं वो चुनावी माहौल में देखने को मिलते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने ये बयान देकर ना सिर्फ सूबे का सियासी पारा बढ़ा दिया है, बल्कि जो है ये सिंधिया और रामनिवास रावत को लेकर एक तंज भी कसा, जिस तरीके से कांग्रेस छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, कई सीनियर लीडर जो है कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो उन्होंने एक तरीके से कार्यकर्ताओं को ये सलाह दी है कि संभल कर रहिए इस तरीके के अस्तिन के सांपों से। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का इस पर कहना अलग है, बीजेपी का ये कहना है कि जो दिग्विजय सिंह ने जो इशारा किया है वो अपने भाई लक्ष्मण सिंह की तरफ किया है, क्योंकि लक्ष्मण सिंह लगातार जो है पार्टी लाइन से अलग हटकर बयानबाजी करते रहते हैं, कभी वो जीतू पटवारी को नसीहत देते हैं, कभी राहुल गांधी को सलाह देते हुए नजर आते हैं, कभी दिग्विजय सिंह के खिलाफ ही बयानबाजी कर देते हैं, तो उनका ये मानना है कि दिग्विजय सिंह ने ये जो बयान दिया है वो लक्ष्मण सिंह को लेकर दिया गया है। हालाँकि दोनों दलों के नेताओं के बयानबाजी अलग अलग है, लेकिन इसके जो सियासी मायने हैं और जो सियासी पंडित मानते हैं उनका ये कहना है कि साफ तौर पर दिग्विजय सिंह का जो इशारा था वो सिंधिया और रामनिवास रावत की तरफ था।
जी, अब ये बयानबाजी की अपडेट थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर। स्वतंत्रता दिवस करीब है और हर घर झंडा की लहराने की अब प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। अब क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर के, आइए जानते हैं हमारे संवाददाता देव जी से क्या अपडेट है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हर घर तिरंगा अभियान को बिल्कुल सरकार और साथ ही साथ भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल बुलंदी से अपने हाथ में ले लिया है और तकरीबन हर घर पर, मध्य प्रदेश के हर घर पर इनका टारगेट है कि मध्य प्रदेश, इंदौर, जितने भी घर हैं, हर घर और हर सरकारी कार्यालय पर तिरंगे को लहराया जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो बेशक ये एक देशभक्ति के रंग में रंगने वाला कार्यक्रम है। इंदौर में, इंदौर की बात करें तो इंदौर में 11 से लेकर 15 तारीख तक इंदौर में तिरंगा अभियान जो है बहुत ही जोर शोर से मनाया जाएगा और ये चलाया जाएगा। उसके साथ ही 13 तारीख से 15 तारीख तक भाजपा के हर कार्यकर्ता हर घर पे जाकर, हर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जाकर, कार्यालयों पर जाकर तिरंगा फहराने का काम करेंगे और तिरंगे झंडे को लगाने का काम करेंगे। इसे इस तरह से देखा जाए तो ये जो आने वाले चार दिन हैं 11 से लेकर 15 अगस्त तक, ये पूरी तरीके से तिरंगा अभियान के नाम कर दिया है सरकार ने और भाजपा ने और पूरी तरह से मध्य प्रदेश को देशभक्ति के रंग में रंगने का प्रयास किया जा रहा है। इसी से हमें एक लाइन याद आती है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह हमको प्राणों से प्यारा। तो ये थी आज की तमाम बड़ी अपडेट्स। और भी बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।